अंजुमन इस्लाम्स वली मोहम्मद एंड दोस्त मोहम्मद पीर मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल सेमी इंग्लिश पुणे। टीचर अफसाना अहमद चाउश। टॉपिक गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया। बाजी ये किसकी तस्वीर है? गुड़िया ये गांधी जी की तस्वीर है। बाजी गांधी जी कौन थे? गुड़िया गांधी जी हमारे मुल्क के बड़े लीडर थे। चलो मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, ये वो जगह है जहां पर गांधी जी पैदा हुए थे। ये इस वक्त गुजरात में है। गांधी जी 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे पोरबंदर में पैदा हुए। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वो बापू और बाबाए कौम के नाम से भी मशहूर हैं। हमारे मुल्क के सब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। गांधी जी हमारे मुल्क के बड़े लीडर थे। वो धुन के बड़े पक्के थे और वक्त के पाबंद थे। वो हमेशा सच बोलते थे। उनका रहन सहन सीधा सादा था। वो कम खाते, कम सोते और कम बोलते थे। गांधी जी सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। वो सिगरेट नोशी यानी सिगरेट पीना, शराब नोशी यानी शराब पीना और जात पात के भेदभाव के बहुत खिलाफ थे। गांधी जी का लिबास सीधा सादा था। वो घुटनों तक सूती धोती और सूत की शाल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर उनका लिबास है, देखो यह घुटनों तक धोती है और ये शॉल है। और वो वक्त के पाबंद थे, हमेशा घड़ी उनके पास रहती थी। गांधी जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। अब उस कुटिया को बापू कुटिया कहा जाता है। यहाँ पर ये तस्वीर है, इसको बापू कुटी कहते हैं। गांधी जी सुबह सवेरे उठते टहलने जाते थे, वापस आकर चरखा चलाते थे। वो बूढ़े हो गए थे मगर काम से ना थकते थे। वो अपना काम खुद करते थे। गांधी जी ने इंग्लैंड से वकालत की डिग्री हासिल की थी। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का राज था। उन्हें मुल्क से निकालना आसान ना था। गांधी जी की कोशिशों से मुल्क आजाद हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले जुनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह की तहरीक चलाई। हिंदुस्तान में किसानों मजदूरों के लिए आवाज उठाई। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। उसके खिलाफ गांधी जी ने नमक की सत्याग्रह की और साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके नमक का कानून तोड़ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो तहरीक और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। गांधी जी तशद्दुद के खिलाफ थे। स्वदेशी माल के इस्तेमाल पर जोर दिया करते थे। गांधी जी कहा करते थे, हम सब एक हैं।
हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। दुनिया भर में वो महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हैं। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। 15 जून सन 2007 को अक्वामे मुतहदा की जनरल असेंबली ने 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन करार दिया। इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को बैनुल अक्वामी सतह पर अदम तशद्दुद के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जिंदगी भर तशद्दुद के खिलाफ रहे और अदम तशद्दुद के हामी रहे। ये गांधी जी के जो तीन उसूल थे वो है, यानी गांधी जी के तीन बंदर। ये कह रहा है बुरा मत कहो, यानी किसी को भी कोई भी बुरी बात नहीं कहना है। ये कहता है बुरा मत सुनो, यानी कोई भी बुरी बातें हमने नहीं सुनना है। और ये अपनी आंखें बंद कर रहा है और क्या कहता है, बुरा मत देखो, यानी हमें कोई भी बुरी चीज नहीं देखना चाहिए। ये गांधी जी के तीन बंदर हैं। बुरा मत कहो, इसने मुंह बंद कर रखा है। बुरा मत सुनो, इसने अपने कान बंद कर रखे हैं। और ये जो है, इसने अपनी आंखें बंद कर रखी है और क्या कहता है, बुरा मत देखो। 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी रोज की तरह प्रार्थना करने जा रहे थे कि नाथूराम गोडसे नामी शख्स ने गांधी जी को गोली मारी और उनका इंतकाल हो गया। गुड़िया, क्या आप तुम्हें मालूम हो गया कि गांधी जी कौन थे? जी हाँ बाजी, किसी दिन हम पुणे के आगा खान पैलेस चलेंगे, वहाँ गांधी जी की चीजें रखी हुई हैं। जी अच्छा बाजी, मैं जरूर आऊंगी, शुक्रिया। ये पुणे का आगा खान पैलेस है। थैंक यू।